السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ऐसे क्रेडिट कार्ड से कोई चीज ले सकते हैं या फिर पर्सनल कंज्यूमर लोन बोल रहे हैं उससे ले सकते हैं जी भाई का सवाल यह है शेख क्रेडिट कार्ड पर सामान खरीद सकते हैं क्या और शेख उसमें है वो उसमें ऑफर भी होता है जैसे आप बोले शेख ऑफर रहता है बोल रहे हैं ना आप हाँ जैसे कि कैश में लेते हैं या तो 12,000 का मिलता है और क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर लोन से लेते हैं ना वही 10,000 में मिलती है वाजे वाजे पता है ठीक है तो वही पूछना चाह रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड पर खरीद सकते हैं क्या शेख सवाल भाई का ये है कि सामान को क्या क्रेडिट कार्ड पे खरीदा जा सकता है जबकि क्रेडिट कार्ड में ऑफर होते हैं अगर आप कैश पर लेंगे तो आपको 12,000 में जो चीज मिल रही है वो क्रेडिट कार्ड में आपको 10-11,000 में मिलती है देखिए पहले यहाँ पे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्रेडिट कार्ड लेना और उसका इस्तेमाल करना क्या जायज है कि नाजायज जब आप इसका हुक्म जान लेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये जान लेंगे कि क्या उससे फिर सामान खरीदना जायज़ है कि नहीं तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है शायद आप सब लोग जानते हों कि क्रेडिट कार्ड जब आप किसी बैंक से लेते हो तो आपको कोई पैसा शुरू में नहीं देना होता है वो बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है और उस कार्ड का एक लिमिटेशन होता है कि उस कार्ड के ज़रिया से बग़ैर कोई पैसा दिए हुए बैंक को आप उस कार्ड को इस्तेमाल करोगे मान लीजिए 50,000 का क्रेडिट है आपका तो आप वो 50,000 इस्तेमाल कर सकते हो फिर बाद में आपको एक टाइम लिमिट के अंदर वो 50,000 पे करना होता है और अगर वो टाइम लिमिट आपने क्रॉस किया तो उस 50,000 के ऊपर आपको सूद देना पड़ेगा जैसे जैसे आपका टाइम ज़्यादा होता जाएगा उस पर आपको इजाफी रकम देनी होगी तो ये बैंक का जो 50,000 आप इस्तेमाल कर रहे हो ये बतौर कर्ज बैंक को आपको दे रहा है और जब बतौर कर्ज दे रहा है तो बाद में आपको अगर इजाफी रकम देनी पड़ रही है या देने का एग्रीमेंट है आपका तो गोया कि ये सूद है तो आपका बैंक के साथ आपका ये एग्रीमेंट होता है कि अगर आपने वो टाइम लिमिट क्रॉस किया तो आप इजाफी रकम पे करोगे और ये जो इजाफी रकम है ये सूद है क्योंकि बैंक ने आपको कर्ज दिया हुआ है तो गोया कि आप बैंक के साथ एक सूद पर मुआहदा कर रहे हो जो कि जायज़ नहीं है लिहाजा क्रेडिट कार्ड की जो मौजूदा शक्ल है दुनिया पूरी दुनिया के अंदर वो जायज़ नहीं है क्योंकि वो सूद के ऊपर बेस्ड है वो जायज़ नहीं है क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक सूरत में लेना जायज़ है जबकि आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हों जहां पे क्रेडिट कार्ड लेना आपकी मजबूरी हो उसके बगैर आप उस मुल्क में रह ही नहीं सकते उस मुल्क के निज़ाम के साथ आप चल ही नहीं सकते जैसे बैंकिंग का मसला है बैंक में अकाउंट खोलने का मसला अभी दुनिया के बेशतर ममालिक में आप बैंक में अकाउंट खोले बगैर आप नहीं रह सकते हो वहाँ का कानून ऐसा है जैसे आपके हिंदुस्तान का मसला है आप यहाँ बैंक में अकाउंट खोले बगैर नहीं रह सकते तो इसलिए बैंक में अकाउंट खोलने की इजाज़त है जबकि वो सूदी बैंक होता है इसी तरह अगर क्रेडिट कार्ड किसी ऐसे मुल्क में आप ले रहे हो जहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिए बगैर आप वहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकते तो आप ले सकते हो हमारे यहाँ ऐसा मसला नहीं है कि क्रेडिट कार्ड लेना हमारी मजबूरी है लिहाजा हिंदुस्तान में क्रेडिट कार्ड लेना अभी मजबूरी नहीं है और क्रेडिट कार्ड में हर सूरत में वो जो है सूद पर आप एग्रीमेंट करते हो मुआहदा करते हो बैंक के साथ लिहाजा उसको लेना जायज़ नहीं है तो जब लेना उसको जायज़ नहीं है उसको इस्तेमाल करना उससे सामान खरीदना भी जायज़ नहीं है ये भी कंज्यूमर लोन होता है ठीक है उस वो लेना कैसा है जैसे कि मैंने नहीं बताया मोबाइल 12,000 का मोबाइल है ना तो स्कीम में क्या कि 10,000 का दे रहा है तो इस सूरत में ये ऑफर रहता है तो उसको आप क्रेडिट कार्ड से खरीदना चाहते हो नहीं उसमें क्या होता है कि वो अपना डॉक्यूमेंट लेते हैं उस हिसाब जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड लेते हैं और फाइल उसमें भी कंडीशन तो रहता है मैं इस सवाल को समझ नहीं सका समझा नहीं मैं भी नहीं समझ पाया फरहान भाई ऐसे क्या होता है कि जैसे कि मोबाइल लेने जाते हैं ना तो 12,000 का क्या होता है 12,000 उसका कैसे लेंगे तो 12,000 रुपया वो देते हैं अगर वो अगर क्या ऑफर से लेते हैं ना ठीक है जैसे कि लोन लेके लोन लोन से लेते हैं
या फिर क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए, आपने मना कर दिया है, वो तो सही है, बट क्या फाइल 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 चार्ज, जैसे कि अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है और फाइल चार्ज लेते हैं, तो उस सूरत में कैसा है सर? तो ईएमआई कार्ड बना के देते होंगे ना फिर आपको वो? हाँ, ईएमआई का, यस यस यस। ऐसा बोलिए ना कि ईएमआई पर लेना शेख, बजाज फाइनेंस वगैरह की जो ईएमआई होती है उस पर सामान खरीदना कैसा है वो पूछ रहे हैं, और उसमें सेम शर्तें होती है जैसे क्रेडिट कार्ड का आपने बयान किया तकरीबन। हाँ, देखिए ये किस्तों पर, यानी किस्तों पर वो किस्तें आपको भरनी होती हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, तो किस्त पर सामान लेना जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ जायज़ है जब आपका आपके एग्रीमेंट में ये शर्त ना हो कि अगर कोई किस्त आपने मिस किया तो आपको इजाफी रकम देना होगा। और आम तौर से किस्तों में तो ये शर्त होती है कि अगर एक महीना आपने मिस कर दिया, जमा नहीं किया किस्त, तो आपको उस पर फाइन लगेगा। अब ये जो फाइन लग रहा है यही सूद है। तो अगर ये शर्त मौजूद है आपके मुआहदे में, जो कि मौजूद होता होती है, तो फिर जायज़ नहीं है। लिहाजा आप कैश देकर के ख़रीदें। अगर आप किस्तों पर लेंगे तो बाकायदा आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जितनी बार आप मिस करोगे किस्तें, उतनी बार आपको इजाफी रकम देनी होगी। शेख, इसी पर मेरे एक दो सवाल जहन में हैं, और अक्सर लोग भी पूछना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि एक तो ये है कि शेख क्रेडिट कार्ड मैं लूँ, अच्छा मैंने नहीं लिया क्रेडिट कार्ड, लेकिन किसी और ने ले लिया है ऑलरेडी और वो कंटिन्यू खुद यूज करता है, तो अब उसके क्रेडिट कार्ड पे मैं सामान खरीदूं जबकि मुझे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, कोई कुछ नहीं पे करना है मुझे? नहीं, देखिए उसके क्रेडिट कार्ड को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये एक तरह से इकरार है उस हराम काम का, उसमें ताउन है, उसमें शमूलियत है, उसमें इश्तराक है उस हराम काम में, ठीक है? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड हराम पर बेस्ड है और आप उससे फायदा उठा रहे हो, तो ये जायज नहीं है। जैसे आप ऐसे कहो कि कोई आदमी शराब का कारोबार कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ उसकी उस कारोबार में, तो भाई ये वैसी ही है। तो बहरहाल अगर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो वो ताउन है उसके साथ, इश्तराक है उसके साथ, शमूलियत है आपकी भी उसको, भाई आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, जितनी बार वो इस्तेमाल हो रहा है उस तरीके तिजारत को आप प्रमोट कर रहे हो। जी, अच्छा शेख, ये ईएमआई वाला जो होता है उसमें अगर ये शर्त ना हो कि एक्स्ट्रा लेंगे, अलबत्ता उसमें ये एक पॉइंट होता है ना कि चूंकि वो ईएमआई हमारा बैंक से सेटल होता है, तो जैसे कंपनी हमारे बैंक को रिक्वेस्ट भेजती है हमें पैसा देने के लिए, उस कंपनी को पैसा देने के लिए, जैसे हम लोग चेक बैंक में जमा कराते हैं और जब चेक बाउंस होता है तो वो चार्जेस लगाता है, बैंक चार्जेस लगाता है, तो कंपनी ये कहती है कि भाई वो जो चार्ज लग रहा है आपको वो आपकी ईएमआई मिस होने का चार्ज नहीं है बल्कि वो आपके चेक बाउंस होने का चार्ज है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? शेख, ये सिर्फ नाम आपने दूसरा दिया है, दोनों का मतलब एक ही है, और यहाँ पे बल्कि आपके इस सवाल में एक जायद चीज है। एक तो है कि आप मोबाइल कंपनी से डायरेक्ट जा करके किस्त पर मोबाइल लें, ठीक है, उसका हुक्म तो हमने जान लिया। यहाँ पर दरमियान में बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि आप मोबाइल कंपनी के पास गए और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जो है मोबाइल खरीदना चाहते हो, मोबाइल कंपनी ने कहा भाई फला बैंक से आप फाइनेंस करा करके लाओ, ठीक है, फिर आप उस बैंक के पास जाते हो। अब वो बैंक वाला क्या करता है, आप उसको बताते हो मुझे फला कंपनी का मोबाइल चाहिए, बैंक के पास तो मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल क्या, वो बैंक क्या आपसे कहता है कि मैं आपको कर्ज दूंगा, वो मोबाइल 20,000 की मिलने वाली है उस कंपनी में, मैं आपसे 25,000 लूंगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है शेख, लेकिन ये ऐसी शक्ल नहीं होती है शेख, बैंक से जो फाइनेंस करा, वो शक्ल समझ गया शेख मैं, लेकिन वो इस तरह का मामला नहीं होता है उसमें। मामला इस तरह का होता है ना कि मेरा ईएमआई का मामला वो कंपनी के साथ ही है, लेकिन चूंकि मेरा अकाउंट बैंक में है, मेरी सैलरी बैंक में आती है, तो वो लोग बैंक में हर महीना एक डेट को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इनका ईएमआई हमारे पास है और आप इनका पैसा हमारे पास भेज दो, तो वो बैंक सिर्फ पैसा भेजने का काम करती है, और अगर हमारे मेरे अकाउंट में पैसा ना हो तो फिर वो रिक्वेस्ट का चार्ज लगता है, जैसे चेक बाउंस का चार्ज लगता है वैसे ही उस रिक्वेस्ट का चार्ज लगता है। जी बिल्कुल, समझ गया आपकी बात शेख मैं। जी जी, देखिए उस मोबाइल कंपनी को या जहाँ से ईएमआई पर आपने लिया हुआ है सामान, उस कंपनी को हर महीने पैसा मिलना था, आपके आपकी तरफ से पैसा मिलना था उसको, किसी भी वजह से ईएमआई कंपनी आपसे बाद में अगर इजाफी रकम ले रही है, चाहे चेक बाउंस होने के नाम पर,
या किसी और नाम पर अगर इजाफी रकम आपको देनी पड़ रही है तो वो सूद है, क्योंकि जो आपके ऊपर बाकी है वो कर्जा है, वो दैन है। और अगर मुद्दत पर दैन या कर्जा अदा ना कर पाने की वजह से इजाफी रकम दिया जाए तो इसी को सूद कहा जाता है। तो बहरहाल वो सूद है, वो जायज नहीं है।